हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हम आ चुके हैं भट्टे के अंदर, जो कि जहाँ पे ईंटें बनकर तैयार होती है। तो ये जो भट्टा है, एक बार शुरू होता है चलना तो ये पूरे 6 महीने तक चलता रहता है। पूरी रात दिन इसमें ईंटें जो है पकती रहती है, बनती रहती है। इसमें क्या चैम्बर बने होते हैं, एक तरफ से ईंटें बनती है, डालते हैं। तो हमारे साथ में मुकेश सर जी जो है आए हुए हैं। तो सर, ये कब से स्टार्ट है ये जो भट्टा है? ये वैसे 2004 से लगा हुआ है। हाँ जी। और वैसे इसका काम सितंबर में चालू होता है, जैसे ईंटों के प्रोडक्शन। हाँ जी, हाँ जी। और फिर दिसंबर में स्टार्ट होता है और मतलब 5वें या 6वें महीने तक चलता है। हाँ, 30 जून के लगभग ये चलता रहता है। उसके बाद में बरसात का टाइम आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। फिर ये जो ईंटें जो है स्टॉक में पड़ी रहती है ना? हाँ, ये पकी हुई ईंटें स्टॉक में पड़ी रहती है, कच्ची का काम बंद हो जाता है जैसे। हाँ जी। तो ये जो इसके अंदर जो चैम्बर बने होते हैं, उस तरफ से फर्स्ट चैम्बर में जैसे कि ईंटें बनाकर लगाई जाएंगी, फिर उसके अंदर आग लगा देंगे, फिर ऐसे जो चैम्बर भरते जाते हैं। जैसे ये पूरा भरा हुआ है, ऐसे यहाँ से कच्ची ईंट भरनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो जो पकी हुई होगी वो निकाल लेंगे, फिर उसमें दोबारा भर देंगे। पकती रहेगी, पीछे पीछे पक्की निकालते रहेंगे। हाँ, तो इसमें ऐसे जो है काम चलता रहता है और पूरा दिन रात काम इसके अंदर होता रहता है, जो कि ये जो है लेबर्स जो है इनका जो है बहुत अहम रोल होता है इस चीज के अंदर। तो आप सबके लिए थैंक यू, आपकी वजह से ही जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनकर तैयार हो पाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसके अंदर से अभी बंद किया हुआ है ना सर? हाँ, अभी बंद है। अभी मौका मिलेगा तो जब ये चैम्बर्स खुलेंगे तो अंदर जाके भी आपको दिखाया जाएगा। क्यों सर? हाँ, इसके अंदर तो नहीं जाया जाएगा, जैसे जब प्रोडक्शन चालू होगा तब आपको ऊपर से सारी इसकी प्रोसेसिंग दिखा देंगे। ये ऐसे कच्ची भरी जाती है, ऐसे इसको पकाया जाता है और फिर इसके आगे इसको निकाला जाता है। हाँ जी। तो इसके अंदर पकाने के लिए आप क्या क्या चीज डालते हैं आग लगाने के लिए? पकाने के लिए जैसे कोयला भी चलता है, और वैसे अपने जैसे ये फसलों का कचरा है वगैरह, हाँ, वो लकड़ी वगैरह होगी। हाँ, तो भी है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, ऊपर से देख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोग जो है ऊपर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं। वो सब देखिए गाइस, वो सब जो है ईंटें बनकर स्टॉक में रखी हुई है ना सर? छंटाई करके बाहर निकाली हुई है। अंदर तो जैसे 1 नंबर 2 नंबर 1.25 नंबर वगैरह होती है, बाहर उसको छांट छांट के अलग अलग करके लगा दिया जाता है। अच्छा। तो सर ये क्या चीजें हैं? ये ईंट पकी हुई है। अच्छा, ये सारा जैसे ये भरा हुआ है, ये पकी हुई है। तो इसके अंदर जो खाने वगैरह थे वही उसके अंदर डाला जाता है ना? हाँ, ये जैसे ये मोरी थी, इसके अंदर से इसको कोयला डाला जाता है इसके अंदर से, और ऐसे ही आग चलती रहती है। ये देखिए, इसके अंदर कोयला वगैरह अंदर डाला जाता है। अभी तो फिलहाल आपको इसके अंदर का नहीं दिखेगा, ये बंद है अभी। इसके अंदर में आग चलती रहती है जब ये चालू होता है। ये जो ऊपर ऊपर आपको उभरे हुए दिख रहे हैं, इसके अंदर सभी के अंदर कोयला वगैरह जो भी जलाने की जो आइटम होती है वो सब डाले जाती है, फिर इनमें आग जो है लगा दी जाती है और फिर ये पकती रहती है। कभी मौका मिलेगा तो आपको इसके अंदर भी जाके दिखाएंगे। इसके अंदर से तो पूरा ब्लैक ब्लैक होगा ना सर? रखी होती है बिल्कुल, कार्बन ही कार्बन होता है। अंदर तो नहीं जा सकते, बिल्कुल काले हो जाएंगे ना, अंदर कुछ दिखाई देता है अपने को। यस सर। तो इसके अंदर की सफाई वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो लेबर जो आती है पकाने वाली वो अलग से आती है, वो आके वही सफाई करते हैं इसके अंदर की। अच्छा। इसमें जैसे काम बंटा हुआ होता है, पकाने वाले अलग होते हैं, पक्की ईंट निकालने वाले अलग होते हैं, कच्ची ईंट निकालने वाले अलग होते हैं, और वहाँ से कच्ची ईंट को जैसे ढोकर यहाँ अंदर भरने वाले अलग होते हैं। ओके। तो सर आपकी ये जो भट्टा है इसका क्या नाम है आपके? ये शिव ईंट उद्योग है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये अमरपुरा थेड़ी है, भद्रकाली मंदिर के पास में। तो आपने देख लिया, अगर आपको ईंटों की जरूरत हो तो मैं आपका इनका जो नंबर है वो डिस्प्ले पे भी दे दूंगा, आप इनसे बात भी कर सकते हैं।